अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आलमी जंग बड़ी अहम खबर मैं आपको देने वाला हूं और आज की जो खबर है ना ये इतनी अहम होगी। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका ने बहरी जो बेड़े हैं, जंगी बहरी बेड़े, उनको तैनात कर दिया है और भी जो 52 तैयारे हैं उनको तैनात कर दिया और चंद कदम के फासले पे आलमी जंग रह गई। मतलब हम आप लोग सोच रहे थे कि मतलब कुछ अरसे से हम लोग अपने व्लॉग से कह रहे थे कि यार हालात बड़े कशीदा होते जा रहे हैं, ये चीज़ें आलमी जंग की तरफ जा रही हैं। लेकिन अब जो मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, पूरी खबर दूंगा आपको, अहम खबर से जो है वो आगाह करूंगा कि होने क्या वाला है। एक तरफ तो कल आपके साथ रिपोर्ट शेयर की थी मैंने कि ईरान, अमरीकी अखबार ने यह दावा किया कि ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर हमला करने वाला है। इसराइल पर हमले के हवाले से ईरान ने रद्द अमल दिया था कि मैं अपना हक रखता हूं और इसराइल ने हम पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं, हमला किया है, मिसाइल दागे हैं और हम इसका जवाब जो है भरपूर तरीके से देंगे, हर तरह के जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं अली खामनाई, उन्होंने हुक्म दे दिया था अपनी फौज को। तो अब जो खबर आ रही है वो ये है कि मशरिक वुस्ता में अमरीकी B-52 तैयारे बहरी जो बेड़े हैं जंगी, उन्हें तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी अहम खबर है, मैं सारी पढ़ के आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। अमेरिका ने मशरिक वुस्ता में जंगी जो बेड़े हैं उनको तैनात कर दिया है और पेंटागन के तर्जमान जो हैं वो ये कहते हैं कि ईरान इसके पार्टनर्स या प्रॉक्सीज ने अमरीकी फौजी अहलकारों या अमरीकी मफादात को निशाना बनाने की कोशिश की तो अपने लोगों के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। अच्छा, इसके साथ आपको बताता हूँ के मशरक वस्ता में वो कहते हैं जी कि B-52 तैयारे और बहरी तैयारा बरदार जंगी जहाज की तैनाती मिलिट्री री एडजस्टमेंट का हिस्सा है। मशरक वस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज और 3 जंगी जहाज़ों जंगी जहाज जो हैं वो वापस चले जाएंगे इसराइल के दिफा और हमले हमलों के जहाज। यानी वाजिया तौर पर जो पैगाम है वो दे दिया गया है। ये डिटेल्स लैपटॉप पे मैंने अभी खोल के आपके साथ जो शेयर की हैं, ये देखिए ये बहुत बड़ा बयान है। ये अमेरिका का जो बयान है ये बहुत अहमियत का हामिल है। B-52 तैयारे, और देखें जब भी जंग होती है तो जंग में इन तैयारों की ज़रूरत पड़ती है, एयरक्राफ्ट कैरियर और B-52 तैयारे ये जंग का हिस्सा होते हैं। तो आप ये सोचेंगे मशरक वुस्ता में अमेरिका ने ये जो वहाँ पर तैनात किए हैं ये तैयारे, इस बात का सबूत हैं कि अगर ये कशीदगी यहाँ नहीं रुकती आइंदा चंद दिनों में तो ये जो सूरत हाल है वो आगे जाती दिखाई देती है। ईरान की जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान के साथ रूस और चाइना है और इसराइल के साथ अमेरिका है और अमेरिका के साथ उनके इत्तेहादी। सूरत हाल ये है कि अगर आलमी जंग लग की तरफ हम चले, अगर ये कशीदगी बरकरार रहती है, अगर इसराइल के ऊपर जो अटैक के बाद, मतलब इसराइल जो है, क्योंकि पिछले दिनों खबर ये आ रही थी कि इसराइल जो है वो ईरान पर एटमी हमला करने का सोच रहा है, सोशल मीडिया पे खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी। अगर चाहे वो एटमी हो या फिर कोई भी ब्लास्टिक मिसाइल्स हों या दोबारा एयर स्ट्राइक की जाए या फिर ये जो कशीदगी है, ये मैंने शुरू से आगाज़ में कहा था कि ये आगे जाते हुए हमें जो दिखाई दे रहे हैं हालात वो तीसरी आर्मी जंग के, और अगर तीसरी आर्मी जंग लगती है तो याद रखिएगा कि लाखों लाखों लोग जो हैं वो बेगुनाह लोग मारे जा सकते हैं। और पहले हालात पूरी दुनिया के हमने कोविड में देखा कि अभी अभी जो सूरत हाल है कोरोना से निकलने के बाद अभी तक हालात नहीं काबू आ रहे। अभी तक आप जो देखें जो इकॉनमी तबाह हुई है ममालिक की, पूरी दुनिया की इकॉनमी जो तबाह हुई है, अभी तक हम उसको ठीक ही नहीं कर पा रहे। कोई मुल्क भी ये नहीं कह सकता कि जो कोविड में नुकसान हुआ तो आज उस कोविड के नुकसान को हमने पूरा कर लिया है और लोग जो बेरोजगार हुए वो आज भी बेरोजगार फिर रहे हैं। तो हम किसी सूरत में तीसरी आलमी जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। मामला ये है कि आज भी एक तरफ तो इसराइल ने ये बात सामने आई थी कि कतर और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो है मुज़ाकरात चल रहे थे,
जंग बंदी के हवाले से, गजा में जंग बंदी के हवाले से चीजें सामने आ रही थी, लबनान में जंग बंदी के हवाले से चीजें सामने आई थी। लेकिन जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है कि आज भी वहशियाना किस्म की बमबारी जो है वो की जा रही है। आज भी बमबारी की गई है इसराइल के शुमाल में, गजा में वहशियाना बमबारी से 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसराइल के शुमाल में गजा में बमबारी के नतीजे में 84 फलस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए हैं। गजा के सरकारी हुकाम जो हैं उन्होंने तस्दीक की है कि इसराइल ने हफ्ते के रोज शुमाली गजा में 2 फजाई हमले जो हैं किए, जिनमें रहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। आप ये सोचें, सिर्फ मैं आपको फैसला आप लोगों ने करना है, फैसला अवाम का है। आपको मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा, ईरान ने जो रद्द अमल दिया वो हिजबुल्ला के सरबरा हसन नसरुल्ला या हमास के सरबरा इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ईरान ने एक रद्द अमल दिया, और ईरान ने जो ब्लास्टिक मिसाइल दागे वो उनकी इसराइल की एयरबेस पे, उनकी फौजी तनसीबात पर दागे, लेकिन रहायशी किसी इमारत को, आम जो पब्लिक थी उसको निशाना नहीं बनाया। लेकिन ये जो खबर है वो आप सोचें कि गजा में बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है, मासूम जो बच्चे। अब सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों की जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि गलियों में लाशें पड़ी हैं, कुत्ते खा रहे हैं। आप देखिए कि इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है। और मसला ये है कि ये जो जंग बंदी है ये होनी बहुत जरूरी है, और आलमी बिरादरी इसके ऊपर जिस तरह अपना चंद 4 रोज पहले बयान आया था कि बात मुजम्मत नहीं, बात सिर्फ मुजम्मत के बयानों से कुछ नहीं बनेगा, इससे आगे बढ़ के सोचना होगा, इस जंगबंदी के लिए कुछ करना होगा। भाई ये जो सूरत हाल है ये आगे, मैंने जैसे आगाज में आपको कहा कि हम कोई भी जो लोग ये सोच रहे हैं कि तीसरी आलमी, याद रखिएगा आलमी जंग लगने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। और अगर देखें मिसाल के तौर पे, अभी चंद दिनों पहले एक छोटा सा जलजला जो है वो ईरान में आया, और खबरें जो है सोशल मीडिया पे या मीडिया पे तमाम चैनल्स पे गर्दिश कर रही थी कि ईरान ने अपना एटमी तजर्बा कामयाबी से एटमी तजर्बा जो है वो कर लिया है, ईरान एटमी ताकत बन चुका है। अब ये ईरान को पता कि एटमी ताकत वो बन गया या नहीं बन गया, क्योंकि ये तो राज की बातें, लेकिन क्योंकि अभी उसने बाकायदा तौर पर कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि अगर चले बन भी गया है, अगर इसराइल अटैक करता है ईरान पर, ईरान अटैक करता है इसराइल पर, हालात इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि तीसरी आलमी जंग की तरफ चले जाते हैं, तो आप एक लम्हे के लिए सोचें कितना नुकसान होगा, कितने मासूम जाने जाएंगी। पहले आप गजा के हालात देख सकते हैं कि गजा में सूरत हाल क्या है। गजा खंडर में तब्दील हो चुका है, गजा में इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। आप सोच नहीं सकते कि गजा के क्या हालात हैं, वहां पर जो कैंप्स हैं उनके ऊपर बमबारी की जाती है। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इसराइली फौज ने शुमाली गजा में बमबारी की, जिसमें 2 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। और इधर अगर लबनान की मुजम्मती तंजीम हिजबुल्लाह की बात करें तो इसने मकबूजा जो है वो पहाड़ियों की जानिब रॉकेट जो है फायर किए, जहां पर इसराइलियों को जो है वो निशाना बनाया गया। ये डिटेल्स हैं आपके साथ जो मैंने शेयर की हैं कि गजा की जो सूरत हाल है, यानी आज के रोज जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं उनमें 50 बच्चों समेत, ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये बहुत अफसोसनाक है कि 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है। तो आलमी बिरादरी को, आलमी कुतों को ये सोचना होगा कि ये जो जंग के आगे तीसरी, ये जंग यहीं रुकनी चाहिए, ना कि ये जंग जो है, देखिए अमन की बात करनी चाहिए, अमन होना दुनिया में बहुत जरूरी है। अगर हम माजी में चले जाएं तो हम देखें कि जहां अगर हम पहली जंग अजीम को लें या दूसरी जंग अजीम को लें, तो उसमें लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए, जान से गए, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए पहले ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आलमी वबा ने पूरी दुनिया का निजाम तबाह कर दिया, और अब अगर आलमी जंग लगती है तो ना जाने कितना नुकसान होगा। ये सिर्फ 2 या 3 या 4 ममालिक की जंग नहीं होगी, इसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हो जाएंगे। तो नाज़रीन ये वो खबरें थी जो आपके साथ शेयर कर रही थी। तो आज के ब्लॉग के हवाले से अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, अच्छी करें बुरी करें अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी किया करें।
मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।